नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आरजेडी का आज 24वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर आरजेडी के जितने नेता थे वो पटना की सड़कों पर दिखे हैं। जितने आरजेडी के नेता थे वो विभिन्न गांवों में जहां उनका क्षेत्र था उन सभी जगह पर वो दिखे। इसके अलावा पटना की सड़कों पर तस्वीरें भी आप देखते होंगे, तेज प्रताप यादव हों या तेजस्वी यादव हों, सभी ने साइकिल मार्च निकाला है। आरजेडी का साइकिल मार्च निकला है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, आने वाले समय में आरजेडी 2020 क्या आने वाले 2030 में दिल्ली में झंडा फहरा देगी। क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। वो दौर तो देखा है आईटीवी ने, लेकिन फिर भी जो हम लोग सुने, जो पढ़ा, चाहे कश्मीर ठाकुर जी हो, लोहिया जी हो, कितने भी समाजवादी नेता हो, चौधरी सिंह हो, जिस दिन हमारी पार्टी के लोग थोड़ा सा धैर्य दिखाएंगे, मतभेद को मिटाएंगे, मजबूती के साथ आगे खड़े रहेंगे, व्यक्तिगत हित को छोड़ करके जिस दिन पार्टी हित में सोचेंगे, हमको कामयाब होने से पूरे हमसे सावन करिए कि आप सब लोगों से हम अपील करते हैं, थोड़ा सा कुर्बानी और धैर्य रखिए, अपने अपने मतभेद को मिटाइए। हम 2020 क्या 2035 क्या दिल्ली में झंडा फहरा देंगे, लेकिन थोड़ी कुर्बानी और थोड़ा धैर्य हम लोगों को हासिल करेगा। इतनी खुशी की बात की लालू जी का सोच देखिए, बैठिए बच्चे, लालू जी की सोच देखिए, लालू जी की सोच देखिए। उनके जन्मदिन पर लालू जी ने बोला कि गरीबों को खिलाओ। लालू जी पर तो हाथ है, जिस प्रकार का एनडीए सरकार हमारे गरीब मजदूरों के साथ, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, ये पार्टी हर किसी के लिए लड़ाई लड़ती है। आज देखिए पेट्रोल का दाम जो है पूरी तरीके से जो है आसमान छू रहा है, डीजल भी पेट्रोल से ऊपर चला गया। आज हमारे पार्टी ने फैसला लिया कि 5 किलोमीटर साइकिल जो है अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने ब्लॉक में, जिला मुख्यालय में हर जगह चलाने का काम करेंगे। और मुझे काफी खुशी है, इसमें आम लोगों का भी, गरीबों का भी, किसानों का भी, मजदूरों का, खासतौर पर नौजवानों का जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनका हमको साथ मिल रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। यह बीजेपी का लोग क्या बोलता था, महंगाई आवाज में था, महंगाई बड़ा बहुत बड़ी महंगाई, पीछे से आवाज क्या रहा, महंगाई आप बीजेपी के लिए महंगाई जाएंगे भौगाई आपको समझिए। यहाँ के दो मुख्यमंत्री नीतीश जी बोलते हैं कि जनता को परेशानी नहीं है, काम कर रहा है तो ये वही उप मुख्यमंत्री जो अपराधियों के सामने हाथ जोड़ रहा था कि भाई छोड़ दीजिए, क्या छोड़ दीजिए, पक्ष का महीना है पर अपराध कम कीजिए, हाथ जोड़ रहे। ये वही मुख्यमंत्री, ये वही उप मुख्यमंत्री है जो हाथ पैर से भाग भाई। अब देख लीजिए अभी बारिश का मौसम है, फिर थोड़ा सा जल जमा होने लगेगा तो फिर भागेंगे तो भाई थोड़ा मदद कर दीजिएगा। अरे उप मुख्यमंत्री है राज्य के, थोड़ा सहयोग आपको मिलकर के क्या भी देगा है। दो लोग झूठ का अमर टुकड़ा कहेंगे क्या, तो एक रहिए, मजबूत रहिए, धैर्य रखिए, पार्टी के बारे में सोचिए। और आने वाले वक्त हो सकता है कि ये लोग कुछ भी करें, तंग करेंगे, परेशान करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आप सही दिशा में चल रहे हैं।
सही दिशा में चल रहे हैं और उससे इनको बड़ी परेशानी है। ऐसी तो नकारात्मक राजनीति नहीं, ये नकारात्मक नहीं, पॉलिटिक्स करते रहे, पॉलिटिकल व्यंग्यता करते। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा और ये भी कहा कि बिहार में जो है बरसात आ चुकी है, मानसून सक्रिय है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पिछले बार की तरह कहीं हाफ पैंट में भागते हुए ना देखें, आप लोग ज़रा बचाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं कटाक्ष भी किया है, हल्का मजाक भी किया है। और ये तस्वीरें आप देखते होंगे आरजेडी कार्यालय की, जहाँ पर तमाम जितने आरजेडी नेता हैं वो मौजूद थे। साइकिल मार्च निकाला गया आरजेडी की ओर से और वो तस्वीरें भी लाइव तक पहुँचा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो और उच्च स्तर पर जाने वाला है। कौन किस पे कितना आरोप लगा सकता है और कौन कितने विकास के नारे और दावे गढ़ सकता है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।